मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम करेंगे प्रेपोजिशन, जो मैं आपको पहले भी करवा चुकी हूँ कि प्रेपोजिशन क्या होते हैं। प्रेपोजिशन देखो, इसके नाम से ही पता चलता है, प्रेपोजिशन पोजिशन, किसी की पोजिशन, नाउन और प्रनाउन के दूसरे शब्दों के साथ जो रिलेशन बताता है कि वो कहाँ पर है, उसकी पोजिशन कहाँ पर है, उसको हम प्रेपोजिशन बोलते हैं। मैंने आपको तीन प्रेपोजिशन कराए थे पहले, ऑन, इन और एट। तो आज हम आगे कर रहे हैं, कौन कौन से हमने प्रेपोजिशन करने हैं आज। आज हमने करने हैं अलोंग, अंडर, ओवर और थ्रू। ठीक है, तो मैं इसको आपको बताती हूँ। अलोंग, अब अलोंग हमारा कहाँ यूज़ होता है कि जो चीज़ हमें सेंटेंस को पढ़ के हमें पता चले कि किसी के साथ साथ चल रही है या किसी के साथ चल रही है, तो वो होती है अलोंग। देखो, द कैट इज रनिंग अलोंग द पाइप। ये देखो, ये पाइप है और ये कैट है। द कैट इज, देखो रनिंग कर रही है ना, ये पाइप के साथ साथ, इसके साथ साथ ये चल रही है। तो जहाँ पे हमारा साथ साथ वर्ड यूज होता है वहाँ पे हम लगाते हैं अलोंग। अब नेक्स्ट है अंडर। अंडर होता है किसी चीज के नीचे, बिना छुए जो कोई चीज़ किसी को टच नहीं करती और उसके नीचे होती है, वो उसको बिल्कुल उसके नीचे। तो कहता है द कैट इज अंडर द कोट। जो ये कैट है, ये इसके, ये देखो, ये बिल्कुल बिना टच किए, ये इसके, इस टाइम देखो ये बिल्कुल इसके अंडर आ गई ना, तो ये बिना छुए, ये इस टाइम कैट कहाँ पे है, ये देखो, ये पहले जो कैट थी ये पहले इसके ऊपर थी और अब ये इसके कहाँ पे आ गई है, ये इसके अंडर। तो आपका कैट कहाँ पे है, द कैट इज अंडर द कोट। अब नेक्स्ट है ओवर। ओवर कहाँ पे यूज करते हैं कि जब एक चीज यहाँ से जंप करके इसको बिना छुए यहाँ पर आ जाती है और इसको वो टच नहीं करती, तो वो होती है ओवर। तो द कैट इज जंपिंग ओवर द स्टूल। ये एक स्टूल पड़ा है, ये आपको दिख रहा है कि ये स्टूल पड़ा है और एक इसके कैट इसके पास खड़ी है। तो अगर ये कैट यहाँ से देखो जंप करके, देखो बिना छुए ये जंप करके इधर से इधर आ जाएगी, तो क्या बोलते हैं कि कैट इज जंपिंग ओवर द स्टूल। अब नेक्स्ट है थ्रू। ये क्या होता है, से किसी चीज से क्रॉस करना। ये गेट है, इस गेट से बिल्ली क्रॉस कर रही है। द कैट इज पासिंग थ्रू द डोर होल। इस गेट से बिल्ली क्रॉस हो रही है। देखो ये बिल्ली है और ये देखो ये इसके इस डोर से ये इधर ये क्रॉस कर रही है। तो अब यहाँ पे हमारा कहाँ क्या लगता है, थ्रू। लगा पता कि अलोंग होता है इसके साथ साथ, कोई चीज़ किसी के साथ साथ चल रही है। अंडर होता है किसी के बिल्कुल नीचे, बिना छुए बिना किसी की चीज़ को टच किए जो पूरी उसके नीचे आ जाती है, तो उसको बोलते हैं अंडर। ओवर, जंप करके इधर से इधर, देखो बिल्ली ने जंप किया, पहले बिल्ली इधर थी और बिना टच किए ऊपर से जंप करके बिल्ली इधर आ गई। और ये गेट है और गेट से बिल्ली क्रॉस कर रही है। देखो पहले बिल्ली अंदर से आई है और एक बार करके क्रॉस करके इधर आ गई है। अब समझ आ गई ना तुम्हें कि प्रेपोजिशन क्या होती है, जो किसी के साथ हम इसको जहाँ पे इसकी पोजीशन बताते हैं। देखो इसकी पोजीशन बता रहे हैं कि ये साथ साथ चल रही है, ये इसके नीचे है, ये जंप करके यहाँ से यहाँ आ गई है, ये यहाँ से बाहर निकली, तो ये सारी इसकी पोजीशन है। ठीक है ना, अब इसके बाद के प्रेपोजिशन हम फिर करेंगे। पहले तीन करवाए थे, आज और चार करवा दिए, तो कितने प्रेपोजिशन हो गए हमारे पास, 4 प्रेपोजिशन कंप्लीट हो गए। ठीक है ना, थैंक यू बेटा।